नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 12 नवंबर जिले के बीपार्ड सेंटर में प्रशिक्षण के लिए 24 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं, योजनाओं तथा विभिन्न क्रियाकलापों को समझा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SI के निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सोमवार को प्रशिक्षु RAAS अधिकारियों को JPN सदर अस्पताल तथा कटारी हिल रोड स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग के बाद सभी IAS अधिकारियों ने OPD, सर्जरी विभाग, पैथोलॉजी सहित अन्य विभागों का भ्रमण कर विभाग स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के विषय में जाना। इस दौरान प्रशिक्षु IAS अधिकारियों ने प्रसव वार्ड में सेवाओं तथा सर्जरियन तथा सामान्य प्रसव से संबंधित सेवाओं तथा परिवार नियोजन संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि प्रशिक्षु IAS अधिकारियों द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाने वाली मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराने के लिए कटारी हिल UPHC का भ्रमण कराया। वहां प्रशिक्षु ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जरूरी सवाल भी पूछे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की परिकल्पना को धरातल पर उतारे जाने पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 50,000 की आबादी पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया, जहां OPD सहित आवश्यक जांच व गर्भवती व शिशु के टीकाकरण की व्यवस्था होती है। DPM नीलेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षुओं के साथ स्वास्थ्य विभाग से उज्जवल कुमार, उत्तम कुमार तथा PSI से अजय कुमार आदि ने स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जरूरी जानकारी दी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।